بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله <applause> तैयबीन तिरीन मसोमीन संभल के मौला के सलामती की दुआ अल्लाहुम्मा कुल्ले वली وجد ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل وليان وافضا وقائدا ودليلا وانا حتى تسكنه ارضك وتمتعه فيها طبيلا برحمتك يا ارحم <مِن> صلوات محمد وعلي. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري सानी यफ़ो कौली अम अबाद फ़कत खान तफ़ी खलक़ अख्तिलफिलहारदा है पर दिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और जिस मकसद ज़िंदगी मकसद हयात की इन मजलिसों में आते हैं खुदा उन मकासद में भी हम सब को कामयाबी कामयाबिया फरमाएँ मुसलसल आपकी ख़िदमत में अर्ज़ कर रहे थे ई को थोड़ा कम कर दें कि इंसान कायनत में भेजा गया एक मकसद के लिए हम आलाम नूर से म पाइन में आलम अदना में दुनिया पस्त को कहते हैं दनी पस्तरीन आलम यानी अगर खुदा के हज़ार अवालम हों उन अवालम में सबसे पस्तरीन अगर कोई आलम है तो वो दुनिया है जहाँ से हम आए उस आलम को कहते थे आम वत और जहाँ पे हम आए हैं इस आलम को कहते हैं आलम कसरत वहदत अहद वहदानीयत यानी सिर्फ खुदा तवज्जो फ़ोकस मरकज़ परवरदिगार ये आलम कसरत है कसरत का मतलब बेानतहा वैरायटी बेानतहा चीज़ें अभी मैं देख रहा हूँ हर चीज़ मुझे अपनी तरफ़ खींच रही है मजमे में जवान बूढ़े मतलब इंसान खींच रहे हैं कुर्सियाँ पंखे कैमरे लाउड दरख्त बल्ल आसमां सितारे चाँद सूरज फिर मार्केट के अंदर चले जाओ मॉल्स के अंदर चले जाओ हज़ारों चीज़ें आपको अपनी तरफ खींचती हैं तभी बोलते हैं आलम आलम कसरत है एक वजह वसलाम की दुआओं की यह भी है कि अक्सर कहते मासूम किस बात पर रोते थे मासूम किस बात पर तोबा करते थे मासूम तो गुना नहीं करते और अफ़ा फरमाते हैं इस कसरत की वजह से क्योंकि मासूम ये भी बर्दाश्त नहीं करता कि एक लम्हे के लिए उसकी तवज्जो खुदा से हट जाए यही कि अली इब्न नबी तालिब किसी से बात कर रहे हैं यही कि अली की तवज्जो किसी मसलन दरख की तरफ है इंसान क्योंकि वाकई नहीं आलम आलम क्या है आलम कसरत है एतकाफ़ का फलसफा क्या है कसरतों से निकल कर वहदत के अंदर आओ और हमारे यहां बाजात रूह एतकाफ़ ही खत्म कर देते हैं अब कहते एहतकाफ में एहतकाफ वाले एक दूसरे से बातें कर सकते हैं भाई एहतक का मकसद यह है कि वहां पर दुनिया की कोई भी बात ना हो हाँ, कोई ज़रूरी बात है आप उससे कर सकते हो कोई ऐसी पानी चाहिए हो बंदे पे गसल वाजिब हो गया कोई तोलिया मंगवाना हो कोई साबुन मंगवाना हो कोई ऐसी ज़रूरी बात हो एतक़ का मतलब यही है कि बंदा कहाँ पर आए कसरतों से निकल कर वहदतों में आए जितने भी अलिया उल्लाह की कबूर पर आप जाते हैं उसके साथ साथ चिल्लेगा होती है चालीस चालीस दिन खुद गार हरा का फलसफा क्या है वबा अद नासी बे चालीस दिन हजरत मूसा को क्यों बुलाया जा रहा है हजरत रसूल को क्यों बुलाया जा रहा है इस एहतक का फलसफा क्या है ताकि तू कसरतों से निकल कर वहदत की तरफ आए अब इस वहदत का सफर वही कर सकता है जो बंदा साहिब अकलो अब ये जो आप मासूम का कलाम सुनते हैं कि खुदा ने अकल को खल किया फिर अकल के पिचत्तर सिपाहियों को खल किया फिर जहालत को खल किया फिर जहालत के पचहत्तर सिपाहियों को खल किया खिलकत जहल ऑटोमेटिक है यानी यह नहीं कि खुदा ने अलग से जहालत को बनाया इसकी मिसाल आपको इस तरह दू जब खुदा ने सूरज बना दिया तो सूरज के साथ ऑटोमेटिकली साया भी बनेगा जब रोशनी बन गई तो अंधेरा खुद बन जाएगा तो खुदा ने दरअसल अकल बनाया अब जो भी अकल की मुखालिफत करेगा वो क्या बनेगा जहल बनेगा हर इंसान की फितरत में सच आइए सच नहीं बोलेगा तो ऑटोमेटिकली झूठ हो जाएगा सूरज की रोशनी आ रही है आप रोशनी के सामने रुकोगे तो साथ में क्या बन जाएगा साया बन जाएगा तो वो चाहे कोई भी हो आज जो दुश्मन अली बना या दुश्मन अहलबैत बना फर्मा अकल कुल अहलबैत हैं अब जो हुसैन के मुकाबले में आ रहा है अली अलीब नबी तालिब के मुकाबले में आ रहा है जो जो इनके मुकाबले में आता जाएगा वो जहल बनता जाएगा और जो जहल बनेगा वो ऑटोमेटिकली जहनुमी बन जाएगा नूर इनको नूर की महफिल से निकाल कर जुर्मतों में लाते हैं पूरी कोशिश अलिया ताबूत की यह है कि पूरा जोर लगा दिया कि दुनिया अहलबैद के पीछे न लगे दुनिया अंबिया के पीछे न लगे कतल अंबिया साढ़े नौ सौ साल हजरत नूए ने तबलीग की है भाई कम तो नहीं है अपनी बीवी अपना बेटा दुश्मन बन चुका है क्यों क्योंकि वो अक्ल के लश्कर और औरल के सिपाहियों का साथ नहीं दे रहे थे जहालत के सिपाहियों का साथ दे रहे थे तो ये जो जहालत के सिपाही बनते हैं ये इंसान खुद बनाता है जब आपको पता है एक काम बुरा है आप फिर भी उस काम को अंजाम देते हो तो फिर वो जुमला दुआ कुमेल कहता है कि ज़लम तो नफसी व तजर तो बेजहली मैंने अपने ऊपर जुल्म किया क्योंकि मैं क्या था मैं जाहिल था जब आप खिलाफ अकल चलते हो तो आप दुश्मन खुदा भी बन जाते हो दुश्मन बन जाते हो। बात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर कल हमने अर्ज किया कि खुदा ने अकल को किस चीज से बनाया अपने नूर से बनाया और कुरान में खुदा ने क्या कहा कि अल्लाह नूर समावातल अर्ज अल्लाह की मिसाल किस तरह है ज़मीन और आसमान अल्लाह के नूर हैं उसकी मिसाल का मिशक़ात मिशक़ात से हमने बताया अहलोबैत है। हैं फिर मासूम फरमाते हैं कि फिर परवरदिगार आलम ने जिल खमसतम व सब जुंदा अल्लाह ने फिर अक्ल के लिए पिछहत्तर सिपाही बनाए फलम मार अजहल मा अक्रम अल्लाह फमा आता इज मुर्रदा वह जब जहल ने यह देखा कि खुदा ने अकुल को कितनी करामत अता की है मुर्रहुल अदाव उसकी करामत को देखकर जहल के अंदर अदावत पैदा हो गई अब एक पूरा सीनरी है जो परवर मासूम अपनी हदीस में बता रहे हैं और खुदा हदीस ए मासूम को कुरान में क्या अता कर रहा है तस्वीर दे रहा है अब उसमें तस्वीर पर भी आता हूं अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि आदम को क्या करो सजदा करो जैसे शैतान यानी इबलीस ने देखा कि खुदा ने अकल को आदम को शराफत अता की करामत अता की तो उसके दिल में क्या आ गया अदावत आदम आ गई जब देखा आदम को इतनी करामत मिली तो फौरन उसके दिल में क्या आ गई नफरत आ गई और किसके सामने खड़ा हो गया परवरदिगार आलम के सामने अब यहां परवरदिगार आलम कह रहे आदम को सजदा कर इबलीस क्या कह रहा है इबलीस खुदा को तोहिद का दर्श दे रहा है नहीं तुझे सजदा करूंगा आदम को सजदा थोड़ी करूंगा सजदा तेरे लिए है आदम के लिए नहीं है परवरदिगार आलम कहता यादी हिल वसीला ऐ मेरे साहिबा ने ईमान अगर मेरी दरबार में आना है वसीला बना कर आओ वहा भी कहते नहीं खुदा या वसीला गुना शिरक है इबलीस खुदा को तोहिद सिखा रहा था सजदा सिर्फ तुझे करूंगा आदम को नहीं करूंगा अल्लाह ने कहा मैं कह रहा हूं इसे सजदा कर कर नहीं कतन में सजदा नहीं करूंगा अबावस्तबर उसने क्या किया तकबर किया हुक्म खुदा के सामने जहालत क्या हो गई खड़ी हो गई मैं इसकी मिसाल लोगों को इस तरह देता हूँ कि नबी खुदा फरमाते इन ना उरीद अन अब मिन है उरीद ला मिन है तरीद अल्लाह कहता है कि मैं जिस तरह चाहता हूं उस तरह मेरी इबादत कर जिस तरह तू चाहता है उस तरह मैं अपनी इबादत करवाना नहीं चाहता आज हर मुफ्ती हर मौलवी ये बोलता है कि जिस तरह मैं इबादत कर रहा हूं वही हक है जिस तरह मैं अल्लाह को मान रहा हूं वही हक है कोई यह नहीं देख रहा कि खुदा खुद को मनवाना कैसे चाह रहा है खुदा अपनी इबादत कैसे करवाना चाह रहा है मिसाल दू ताकि जवानों के जहन में आ जा तस्वर कीजिए एक टीचर है और उसने क्लासरूम में अपने सारे शागिरदों को बिठाया है अब मसलन ये जो स्कूल है डी एच ए में डिफेंस में कोई पोश एरिया है कोई हाई स्टैंडर्ड सोसाइटी के अंदर एक स्कूल है बड़ा मॉडर्न स्कूल है और टीचर ने बोर्ड लगाया हुआ है मैथ की क्लास चल रही है अब तस्वुर कीजिए टीचर मसलन खुदा है शागिर सारे फरिश्ते हैं अब खुदा ने इस क्लास में एक दूसरा बंदा जो डी एच ए का नहीं है मसलन थोड़ा निचली सोसाइटी का है अंचोली का है न्यू रिजविया का है मिडिल क्लास बंदा है उसको खुदा ने क्लास में ला के बिठा दिया अब ये जितने हाई प्रोफाइल बच्चे एतराज करने लगे ये किसको ला के आपने बिठा दिया हमारे साथ हा? हम तो आला हम तो बड़े हमारे चेहरे खूबसूरत सफेद सफेद ये कौन सा बच्चा बीच में लाके बिठा दिया खुदा ने कह नहीं बड़ा काबिल बच्चा है का नहीं नहीं किसको बिठाया आपने से सा? सारे एतराज करने लगे फिर खुदा ने बोर्ड पे मैथ का मुश्किल तरीन मसला लिखा कहा सारे हल करो सॉल्व करो इस मैथमेटिक फॉर्मूले को सारे दंग रह गए परेशान रह गए मसला हल ही नहीं हो रहा यह बच्चा जो खुदा ने बुलाया था इसने मसला हल कर दिया आदम आदम बताओ मुझे अगर तुम इतने काबिल हो अल्लम तना खुदाया हमें तो कुछ भी नहीं आता फिर आदम को कहा अमेम हाउला आदम मसला बता इनको ये बच्चा उठा और उसने तीन चार तरकीबों से मसला हर करके बता दिया सब उसकी काबिलियत मान गए खुदा ने कहा अब इसको शाबाश बोलो अभी अभी आया है और इतना मुश्किल तरीन मसला हल कर दिया तो लिहाजा शाबाश का मुस्तक है शाबाशी तो इस बच्चे की शाबाशी क्या है किसे सजदा करो एक खड़ा हो गया क नहीं मसला आता है तो आए खुदा ने कहा इसने मसला हल किया है तो क्यों इसकी तारीफ क्यों नहीं करता क नहीं करूंगा अल्लाह ने कहा क्यों नहीं करेगा जवाब तो दे ये गलत सलत बातें करने लगा खल तनी मिनार व खल तहु मिन तीन मुझे आग से बनाया उसे मिट्टी से बनाया अल्लाह ने कहा यह कोई दलील है मैंने तुझे आग से बनाया अच्छा ये बता अगर तुझे आग से बनाया उसे मिट्टी से बनाया आग अफजल है अरे तू तो नारी था फिर मैंने तुझे नूरियों में क्यों बिठाया फिर मैं तुझे भी निकाल देता ना फिरिश्तों की महफिल से जब तुझे लाके यहां बैठा सकता हूं तो आदम को भी सजदा करा सकता हूं ना तो जंगे जहल और जंग अकल वहीं से शुरू हो गई कि अकल को कहा अदबिर चली जा इकबिल आगे आ जा मलाकतुल्ला क्या थे अकल इलाही का मजहर है ना अल्लाह ने कहा सजदा कर फसजदू तमाम तर मलाको ने क्या किया आदम को सजदा किया इल्ला इबलीस सिर्फ तकबर किया किया तभी मासूम फरमाते खुदा दिन में कहता है पांच मरतबा मेरी दरबार में आकर झुक और नमाज पढ़ मौला नमाज का फलसफा क्या है का नमाज बंदे के तकबर को तोड़ने का नाम है अगर शैतान बनना नहीं चाहते तो आपदगारे आलम को सजदा कर और मकतबे तुम्हें मिट्टी पे सजदा क्यों करवाया जाता और मुस्ताब नाक के नीचे भी क्या रखो, रखो। अदना तरीन चीज है मिट्टी इस मिट्टी को सजदा करवाता है नाक को मिट्टी से रगड़वाता है ताकि बंदे के वजूद से तकबर खत्म हो जाए जब तकबर खत्म होता है तो हुकूमतें अकल के अंदर बंदा दाखिल हो जाता है कि मासूम ने कहा कि गुनाह तकबुर की निशानी है कि खुदा कहे न कर बंदा कहे तुझे जो करना है कर मैं तो गुनाह करूंगा तो ये किसकी निशानी है तकबुर की बड़े मोहम्मद ईरान के बहुत बड़े खतीबे दानिशमंद अब ईरान में भी बड़ी तेजी से सेकुलरिज्म और बेदीनी फैल रही है मीडिया का बहुत गहरा असर है हर माशरे में यानी जहाँ दीनी हुकूमतें भी हैं वहाँ भी बेदीनी बड़ी तेज़ी से फैल रही है आगे दानिशमंद कहते रमज़ान का महीना था अब रमज़ान है बंदा रोज़ा ना भी रखे तो रोज़े का एहतराम करना पड़ता है कहते मैं गाड़ी में जा रहा था तो एक जवान अब उसने जैसे देखा मौलवी गाड़ी में बैठा हुआ है तो बाद लोगों को मौलवियों को चढ़ाने की आदत ही पड़ जाती है मौलवी बोले ये ना करो हराम है ख़वातन को कोई हिजाब करो अब मौलवी के सामने ही दुपट्टा तो उतार के घूमें अब वो ये समझती हैं कि हम किसे चिड़ा रही हैं मौलाना को चढ़ा रही हैं <laughs> तो जवान ने देखा अगर दानिशमंद गाड़ियाँ बैठे हैं अब वो बिल्कुल गाड़ी उसने आके साथ रोकी और उसने जैसे देखा मौलाना साहब बैठे हुए हैं मामा पर है उसने जवान ने अपना शीशा नीचे उतारा और हाथ में सिगरेट लिया और सिगरेट को जलाया और जब उसने वो दूहाँ फेंकना चाहता था तो आए दानिशमंद को इशारा किया उसने इशारा किया तो उन्होंने समझा कोई सवाल करना चाहता है तो आए दानिशमंद कहते हैं मैंने शीशा जैसे नीचे उतार उसने सारा सिगरेट का जो धुआं था वो मौलाना साहब के मुँह में मारा अब आए दानिशमंद भी थोड़े नौजवानों के बड़े मशहूर ख़तीम ईरान में तो वो थोड़े मुस्कुराए तो उन्होंने कहा देख दोबारा दुआ खींच और इस बार थोड़ा ज़्यादा खींचना उसने कहा वो तो जवान परेशान हो गया ये मौलवी नाराजी नहीं हो रहा ऊपर से कह रहा है और दुआ के लिए फूंक मार तो कहता है उस जवान ने और उसने कहा अब उसने कहा मुझे नहीं मार ऊपर ऊपर आसमान की तरफ मार कहा मैंने थोड़ी मना किया है कि सिगरेट न पी अल्लाह ने मना किया गुस्सा उस पर उतार मुझ पर क्यों उतार रहा है <laughs> मर से जो तबलीग दीन होती है ये मेरी बात थोड़ी बंद है खुदा ये हुक्म अली इब्ने अभी तालिब है ये हुक्म पर आलम है। आ, ये आयत कुरान की मोमिन किसी आलम से तफसर पूछी कि मोमिन बाज मोमिन पर विलायत रखते हैं इसका मतलब क्या है विलायत अमीर तो उलमिन की है ना ये क्या है कि मोमिन बाज मोमिन पर विलायत रखते हैं तो लिबा आगे कराती फरमाते हैं फरमाते हैं, अगर कोई छ साल का बच्चा भी तुम्हें अम्र बिलूफ करे मसला तू नमाज नहीं पढ़ रहा रोजा नहीं रख रहा या कोई फेले वाजिब या फेले हराम को अंजाम दे रहा है और वो बच्चा तुझे बोले कि आप गलत कर रहे हो या ना करो पर मैं उस वक्त इस चार साल बच्चे की भी तेरे ऊपर विलायत है क्योंकि जो कह रहा है वो अपनी बात नहीं कर रहा वह खुदा की बात कर रहा है मोमिन बाज मोमिन पर विलायत रखते हैं बाप अगर कुछ बोले दीन की बात मौलाना कुछ बोले कोई मोमी नहीं तुम्हें बोल दे बंदे खुदा झूठ ना बोल गुना है उस वक्त वो ऐसे ही तेरे ऊपर विलायत रख रहा है जैसे अली इब्न नबी तालिब क्योंकि वो अपनी बात नहीं कर रहा किसकी बात कर रहा है दीन की बात कर रहा है यहां मसला मसला दीन है ममा खल जन्न वाल हमने इंसान और जिन्हों को कल किया ताकि क्या करें अल्लाह की पिछले साल इसी आयत को मैंने मौजूद अशरा बनाया था इबादत से मुराद मारिफत फत और मारिफत बगैर अकल के इंसान को मिल नहीं सकती सर बात पढ़े मोहम्मद मोहम्मद फिर इमाम ने फरमाया कि खुदा ने जब अक्ल को खल किया फिर परवरदिगार आलम ने जहल को खल किया अब फरमाया जहल की मिसाल का मैंने पढ़ा था अब जहल की मिसाल इस तरह है जैसे जुल्मत भरा दरिया हो दरिया कड़वा पानी हो अब आते हैं कुरान की तरफ खुदा ने अकुल बताया अकल कौन है अहलबलेसलाम है बारा का सारा शजरा बताया नूर अला नूर यूमय शाह इमाम महदी के नूर से कायनत को हिदायत देगा फरमाएन कुछ ऐसे घर हैं जिन घरों में अल्लाह का नाम बुलंद होता है जिन घरों में अल्लाह की तस्बी होती है मिलता है जनाब अबाबा करने रसूल गिरामी से पूछा यार रसूल ये किन के घर है फर्मा अम्बिया के घर आए इब्राहिम का घर है कहते उसने अली के घर की तरफ इशारा किया कया रसूल इस घर के बारे में आपका क्या कहना है रसुल खुदा ने फरमाया सब घरों से अगर कोई घर बुलंद है तो अली इब्न तालिब का घर है हा? यह वो घर है जहां पे खुदा का जिक्र बुलंद होता है फिर फरमाइए किन का घर है देखिए कुरान मैंने सूरह हम पहले अशरे में आपको बताया था एक आयत जब आती है ना फिर आगे सिफात बताती है पहले बताइए नूरानी मखलूकत है मिसबा हंदल मिसबा फिर फरमाया ये वो गर, लोग हैं जिनके घरों में अल्लाह का नाम हमेशा बुलंद रहता है अब ये कौन है रिजाल ये वो लोग हैं लातुल तजारत वाला भाई अन्ला वामला व वा इता इजात ये वो लोग हैं जिनको बिजनेस और तजारत बेचना खरीदना अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता तजारत इनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करती खरीदो फरूख इनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करती मैदान जंग हो जंग सिफीन। अली ने का मुसल्ला बेचा इब्ने अब्बास मौला ये इबादत का मकाम नहीं जंग का मकाम है अब्बास इस ईद तो ईद और तो इबादत को नाफिज करने के लिए जंग लड़ रहा है करबला का मैदान है सईद ने सत्रह तीर खाए हुसैन नमाज को कायम किया कभी सोचा कि जिस भी मासूम के रोजे पर जाते हो यह जुमला क्यों कहते हो अशो अन्नका का कद कदअकम तस्लात वह आतई त जक़ात व अमर तबिल आरूफ व नही अनिल मुनकर पांच मिनट के लिए सोचा तू है कौन तेरी हैसियत क्या है कि तू हुसैन के लिए गवाही दे मैं गवाही देता हूं कि आपने नमाज कायम की मैं गवाही देता हूं कि आपने जक़ात दी मैं गवाही देता हूं कि आपने अमर बिल्मा और नहीं, नहीं भाई मैं हूं कौन मैं हूं कौन जो हुसैन के लिए गवाही दू मासूम ने कहा दो ताकि ये पता चले वो कौन थे जिन्होंने नमाज को कायम किया और जकवात को दिया जब बाज़ार में ये काफ़िला जा रहा था ना शाम की बाज़ार में सत्तर हज़ार मस्जिदों में बताया गया कि अली नमाज़ नहीं पढ़ते अली ज़क़त नहीं देते अली दीन से खारे जाए जब पहले शाम को पता चला कि अली की शाह शहादत का मस्जिद में हो ना हमत है शाम वालों ने कहा अली और मस्जिद वो भी सुबह की नमाज़ हमें तो बताया गया अली नमाज नहीं पढ़ते अली का मस्जिद से लेना देना क्या है जब पत्थर मारने लगे और कहने लगे ये बागी की बहन है उस वक्त सैदा जैन ने कहा पत्थर मारना है मार पर मेरे हुसैन को बागी न कहो मेरा हुसैन नमाजी है रिजालुल ला तुल तजारत ولا باء ये वो लोग हैं जिनको बिजनेस जिनको तिजारत जिनको तख्त जिनको हुकूमत अल्लाह के जिक्र से गाफ नहीं करती नमाज को कायम करते हैं जकत देते हैं दिन इंसानों के दिलों को जाहिर कर दिया जाएगा अब फरमाएल कफरू आमाल का शराब जो लोग कुफ्र इख्तियार करते हैं उनके आमाल शराब की तरह हैं उनको लगता है कि हमने बहुत सारी इबादतें की हैं नमाज़ें पढ़ी हैं लेकिन ये सब कुछ शराब है कुरान की आयत उला हब अमाल हम कारी कुरान नमाजी जब अल्लाह के दरबार में आएंगे कुछ भी नहीं होगा दो लफ्ज़ हैं हब्त और जब्त इसको अपनी लैंग्वेज में समझा समझाऊ पुलिस दो तरह की चीज़ें पकड़ती है पुलिस के भी दो तरह के मिजाज होते हैं है? अब तस्व कीजिए पाकिस्तानी पुलिस हो मसलन यूके की पुलिस यूके की पुलिस चर्स बरामद करेगी फौरन उसे जाया कर देगी जला देगी इसे कहते हैं हफ्त चीज मिली और जला दी हमारे भी अलहमदुल्ला पुलिस वाले अच्छे हैं पर बाज की मिसाल दे रहा हूं चर्स लेके जब्त कर देंगे हफ्त नहीं करेंगे शायद कहीं और काम आ जाए तो जब्त का मतलब है अमाल को रख लेना फिर शायद कहीं अगला नेक बंदा आए और उसे चर्च दे दी जाए हब्त का मतलब यह है कि चीज को लेके जाया कर देना का उला एक हब आमाल बाज लोग ऐसे हैं जिनके अमाल को क्या कर दिया जाएगा हब्त कर दिया ये वही लोग हैं जिन्होंने अहलबेद को पीठ दिखाई जो अली तालिब के मुकाबले में आए जो हुसैन अली की इनकी नमाजें किसी काम की नहीं क्योंकि इन्होंने अक्ल के मुकाबले में आकर खड़े हो गए हैं और जो भी अक्ल के मुकाबले में आता है वो जुलमत कामिल और जहालत कामिल होता है अब फरमाया जो जुल्मत है उसकी मिसाल किस तरह है उसकी मिसाल पहरे लुज्जी की तरह है अब सबसे पहली चीज जो लश्कर चहल में आई वो थी हिसादत इबलीस हसद कर रहा था किसके साथ जो कमालात खुदा ने किसको दिए थे आदम को दिए थे अब कुरान की आयत अम सदून आता कहता है हबीब ये हसद करते हैं जो मैंने अपने फजल करम से अता किया फना आल इब्राहिम मैंने आल इब्राहिम को आल इब्राहिम अहलब अता किया अल किताब वल-हिकमत व आतईना मुलकन अजीमा मेरी मर्जी में इनको किताब दूं मेरी मर्जी में अली को हिकमत दूं मुलकन अजीमा आखिर में अगर मैं सबसे बड़ी हुकूमत भी अता करूंगा तो आले इब्राहिम को अता करूंगा किसी और हुकूमत अता नहीं करूंगा अब यह नहीं कि अहलबैत कुछ करते थे लोगों का हसद है अक्ल से जब बंदा हसद करता है ना वो जहालत में पड़ जाता है आगे रसूल खुदा के पास या रसूल अल्लाह ये क्या माजरा है क्या हुआ का औरतों में सैदत आलमीन बनाया तो अपनी बेटी को बनाया वो भी हाशिमी। जवानों का सरदार जन्नत में किसी का बनाया वो भी अपने नवासों को बनाया वो भी हाशिमी शोहदा अगर किसी को बनाया वो भी हमजा को बनाया वो भी हाशमी काबे के दरवाजे की चाबियां जिसके पास है वो भी आपका चचा अब्बास वो भी हाशमी अब कह रहे हैं मनकुंतो मौला हो फाज आलिय मौला सैयदुल औसिया भी बना रहे हो तो अपने दामाद को वो भी हाशमी हमने क्या बिगाड़ा हमें भी तो ओहदा मिले ना Allah कहता है तेरा क्या जाए मेरी मर्जी मैं जिसे फजीलत दूसून आता हूं मेरी मर्जी में जिसे फजीलत अता करूं ना खुदा किसी का मकरूज तो नहीं है ना अब यहां पे इतना मजमा बैठा है अब मैंने इस बंदे को एक हजार दिया हा? दूसरे को भी हजार दिया दूंगा नहीं भाई मिसाल दे रहा हूं दूसरे को भी मैंने हजार दिया तीसरे को भी हजार दिया चौथे को भी दिया दूसरा बंदा उठा मैंने उसको पांच हजार का नोट दिया अब ये छे लोग खड़े हो जाएं, क्यों मौलाना हम सबको हजार दिया उसे पांच मेरे को भाई आपका क्या जाए पैसे मेरे थे ना तुम्हें ये हजार भी दिया तो ये मेरा एहसान है ना अल्लाह कहता है, मैंने तुझे मुसलमान बनाया ये भी तो मेरा एहसान है ने तुझे इंसान बनाया है, मेरा एहसान है ना अब मेरी मर्जी में अली को मौला बनाऊं बाबे मदीनतुल इल्म बनाऊं तेरा क्या जाता है हसहद करते वाक मुसलमानों में एक फिरका है क्यों अली की इतनी बातें होती हैं भाई अल्लाह फजीलत दे रहा है सैद्स आलमिन बना रहा है अल्लाह की मर्जी है ना अब जिद करते नहीं चार बेटियां थी पर अगर थी एक हदीस ला के दिखा उनकी फजीलत में जनाब खतीजा की बात आती है दूसरी बीवियों को फेरस्त की लाके खड़ी कर देते हैं भाई जिसकी फजीलत में रसूल ने बातें की हैं वो बात करो ना जिससे खुदा ने फजीलत अदा की है जनाब हमजा चचा हैं फजीलत है दूसरे दो चचा हैं बदबक हो गए यूसुफ के साथ यूसुफ के भाइयों का मसला क्या था हसाद जनाब यूसुफ ने कभी भाइयों को तकलीफ दी थी कोई तकलीफ नहीं दी ना बोला बाबा मैंने खाब देखा है सितारे सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं याकूब की समझ गए कि यूसुफ बेटा है पर मुझसे अफजल है मां हो महताब हो आफताब हो सितारे सजदा कर रहे हैं कब बेटा एक से मुराद में हूं तेरी मां है तेरे भाई हैं समझ गए थे लेकिन भाइयों को ना बताना अम यह सुदून असल जड़ है हसत इबलीस इबलीस बना हसत की वजह से कि उसे क्यों दिया मुझे क्यों नहीं दिया यह पहली बीमारी है और मजबूत तरीन जहां से शैतान इंसान के वजूद में आग लगाना शुरू कर देता है तभी फर्मा अली वाला कभी हसत नहीं करता तू देख खुदा ने उनको क्या दिया है और वही रोशनी अपने वजूद में पैदा करना शुरू कर दे हाबिल और काबिल का किस्सा हसत शुरू हुआ साढ़े नौ सौ साल तबलीग की हजरत नून है जब यह कहे ना कि मैं नहीं मानता यहां से खुदा अजाब नाजिल करना शुरू कर देता है क्योंकि तू नूह का इनकार नहीं कर रहा तू किसका इनकार कर रहा है परवरदिगार आलम का इनकार कर रहा है हजरत नूह को पहले ही बता दिया नूह दरख लगा खुदा मोहलत भी देता है बंदे को सुधरने की बहुत लंबी मोहलत देता है दरख लगाए दरख बड़े हुए खुश्क साली आई नूह के बददुबा के नतीजे में फिर का इन्हीं दरख्तों को काट कर कश्ती बनाओ फिर उन्हीं दरख्तों से कश्ती बनाई बेटे ने जब अल्लाह का इनकार किया तो खुदा ने कहा तुम्हारी अहल में से नहीं है अकल का काम है सरे खमे तस्लीम करे हुक्म परवरदार आलम के सामने ये लोग जो शरीयत की बातें नहीं मानते मौलाना ये बात नहीं मानेंगे वो बात नहीं मानेंगे आधा मानूंगा यू मिनिफर बेबाज नमाज पढ़ूंगा पर दाढ़ी नहीं मानूंगा हाँ ये करूंगा लेकिन खुम्स नहीं मानूंगा हाँ जक़ात नहीं दूंगा रोजा नहीं रखूंगा बास को मानता है बास को नहीं मानता अल्लाह कहते है, ऐसा ईमान मेरी दरबार में काबिल कबूल नहीं है ये जो तू इनकार कर रहा है ये इनकार किसका है परवरदिगार ये ऐलान जंग है परवरदगार आलम के साथ लेकिन वहीं पर फिर नू को अल्लाह बताता अब ये नू ये नहीं कि मैं अपने बंदों से प्यार नहीं करता जब आप करबला का वाकया सुनते हो ना मिलता है सत्रह लोग गोदिया कतलगा में गए थे इमाम हुसैन का सर कलम कर सत्रह लोग किसी की जरूरत नहीं हुई मौला का सर कलम करे जाते थे हाथ कांपते थे बाहर हते हुसैन इब्ने अली आखिर में शे मर गया मुला किसी पे सवार हुआ उस वक्त इमाम उससे कलाम करे शिमर अभी तक तूने जितनी खताएं की हुसैन बंदोबस्त करेगा लेकिन यह खता न कर क्योंकि इमाम के गले पे जो छुरी चलाता है इस गुना की माफी नहीं है नहीं समझा रिवायत के जुमले हैं छुरी चलाता गया पर हुसैन के गले पे छुरी ने चलने से इनकार कहने लगा हुसैन ये गला कट क्यों नहीं रहा फिर इमाम ने अपने नाना की हदीस सुनाई क ये वो जगह है जहां मेरे नाना ने बोसा दिया था तुझे नहीं पता मैं कौन हूं मेरी अम्मा ने इस गले पे बोसा दिया था फिर इमाम जैन अलाब्दीन फरमाते इसने मेरे बाबा के गर्दन को पलट दिया पीछे से गला काटना शुरू कर दिया और क्या करे परवरदार आलम इंसान को और कितना बताए तू तो, तो किन कसाफतों में किन निजातों में जिंदगी गुजार रहा है पिछले साल मैंने अशरे में, में बताया था कि हर इंसान ला महदूद को पसंद करता है शैतान तुझे महदूद करना चाहता है हम सब की फितरत में है हम आशे के कमाल हैं कोई ऐसा इंसान नहीं जो आशे के कमाल ना हो हर इंसान लामहदूद को पसंद करता है इसकी दलील भी यह है कि आप बार बार घर क्यों बदलते हो एक घर दूसरा घर तीसरा घर चौथा घर पांचवा घर सुकून और करार नहीं होता इससे बड़ा और चेंज करूं हर चीज़ चेंज करते हैं कपड़े चेंज करते हैं मोबाइल चेंज करते हैं गाड़ियां चेंज करते हैं यह सिफत है कि इंसान लामहदूद का आशिक है शैतान तुझे महदूद बनाना चाहता है अब शैतान को पता है कि तेरी फितरत यह है कि जब तक तुझे खुदा नहीं मिलेगा तब तक तुझे सुकून नहीं आएगा क्योंकि कहा वह नफक तो मिनरू तेरे रूह को अल्लाह ने अपने नफखे से बनाया है ना अब फितरत में है कि इंसान खुदा को चाहता है और कायनात में खुदा के वजूद के अलावा किसी का वजूद लामहदूद नहीं है समझो तेरे पास एक बाल्टी है उस बाल्टी को भर ही खुदा सकता है कोई सख्त ही नहीं है तेरे पास एक बर्तन है उस बर्तन को दुनिया की कोई चीज भर नहीं सकती सिवाय परवरदिगार आलम के हम सब फितरतन आशिक हैं अब शैतान क्या करता है इतने महदूद चीजों को ज्यादा बनाता है वैरायटी इतनी खल करता है कि हम उसी में मशगूल हो जाते हैं खुदा से गाफिल हो जाते हैं कायनत में कितनी वरायटीज हैं आप एक चीज से फारग नहीं होते दूसरी चीज बन जाती है एक टीवी खरीद के घर में आए आते नहीं है अगले साल नया मॉडल आता है नया कैमरा नया मोबाइल नए चप्पल नए कपड़े अब हम सारा पूरी अब जिंदगी है सत्तर साल शैतान को पता है सत्तर साल है ये इतना घूमेगा 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 यहां तक के परवाज करके चली जाएगी बाद में पता चलेगा शैतान ने मुझे किन चीजों में लगाया हुआ था अक्लमंद बंदा कभी भी इन चीजों में खुद को गुम नहीं करता शिमर का क्या मसला था यही रे की हुकूमत इमाम ने का मिलेगी तो क्या होगा तो क्या होगा यही खाना जो तुझे यहां मिल रहा है वही मिलना है लेकिन नहीं शैतान वैरायटीज बनाता है ये दूंगा वो दूंगा इतनी वैरायटीज बनाता है हम सारी वैरायटीज में और तनवो मुतनवे मतन्व, चीज़ों में गुम हो जाते हैं और परवरदिगार आलम को क्या होते हैं भूल जाते हैं क्यों कहा नमाज तहजद का सवाब है क्योंकि तहज्द में सारी कसरतें सो रही होती हैं और बंदा उन कसरतों से निकल कर वहदत में जाता है और खुदा से रब्त बनाता है जब तेरा रब्त खुदा से बनता है ना अब वो ताकत वो एनर्जी तुझे मिलती है वो लज्जत खुदा अता करता है जिसका इंसान तसवर नहीं कर सकता अब अक्लमंद होगा वो शैतान के हरबों को समझेगा कि वाक शैतान मुझे गुमराह करने के लिए क्या करता है सर बाद मोहम्मद वाले महमद अज्जल फम ने गवर्नर बनाया ने इसे फारस का जैसे फारस पहुंचा देखा कि फारस के लोगों के हालात बहुत बेहतर हैं होता ये था मसलन आपको मदाइन का गवर्नर बना दिया मिस्र का गवर्नर बना दिया लोगों के हालात ख़राब होते थे बैतलमाल में जितना पैसा आता था लोग गरीबों को तकसीम करते थे इसने देखा नहीं फारस के हालात बहुत बेहतर हैं लोगों को पैसों की जरूरत है ही नहीं चार लाख दरहम हम कि इस बंदे ने करप्शन की साहबी है अलियब ने अभी तालिब को पता चला मौलान ने खत लिखा नहजुल बलागा का थर्टी सेवन खत है या सत्रह मुखातब किया इमाम ने फरमाया मुझे अफसोस हुआ तुमने अमानत में खयानत की अली ने तुझे अमीन बनाया था तू जहालत में पड़ गया इमाम ने फरमाया तेरे घर में जो ऊंट बैठा हुआ है अली की निगाह में वो तुझ से बेहतर है क्योंकि ऊंट पर कोई सामान रखता है ना वो वहीं जाके पहुंचाता है जहां मालिक ने उसे भेजा है वो कभी खयानत नहीं करता तूने अली की अमानत में खयानत की है जेल में डाला अमीर उलमन ने चार लाख दरहम चुराए थे वापस लिए तीस हजार दरहम का अली ने फाइन लगाया मौला का साहब अली के पास है मौला इसे छोड़ दीजिए इसने तोबा कर लिए इमाम ने छोड़ दिया यही वो बंदा था बसरे में इमाम ने अपना कासिद भेजा जनाब सुलेमान हम मुस्लिम का जिक्र सुनते हैं सुलेमान का किसी को नहीं पता खत लेकर भेजा डायरेक्ट खत लिखा कभी मेरे बाबा का सहाबी था एक एक बंदे के लिए इमाम हुसैन ने खत लिखा है इस बदबख़ ने वो खत लिया जनाब सुलेमान को इब्ने जियाद के हवाले किया और बसरे के शहर में इब्ने जियाद ने जनाब सुलेमान का सर कलम किया चंदी महीनों में बदबख़ बीमारी की वजह से मर गया लेकिन करबला में हुसैन का साथ न दिया अगर ये करबला आता इमाम हुसैन का साथ देता आज मजलिसों में हम इसका जिक्र कर रहे होते हैं। हुर हुर क्यों बना क्योंकि हुर अक्ल के मुकाबले में नहीं आया आज दुनिया हुर को याद कर रही है क्योंकि हुर साहिब अक्ल था इसी तरह अगर तू साहिब अकल बनेगा जिंदगी साठ सत्तर साल की गुजर जाएगी कभी मालो दौलत की हवस में आकर जहालत के पीछे न जाना कभी शहवत में आकर ए जवान अपने ईमान को तबाह हो बर्बाद न करना ये जो आजा खुदा ने दी हैं, इन सिपाहियों को राह परवरदिगारे आलम में इन्वेस्ट करना फिर देखना मरने के बाद भी खुदा तेरा नाम बुलंद करता है। खुमैन गांव में पैदा हुए थे खुमैन कहा से कहा खुदा ने पहुंचाया क्योंकि उनके वजूद में इताते परिगार आलम थी मैंने पहली मजलिस में जिक्र किया था अपने दोस्त का जिनका पहली मुहर्रम इंतकाल हो गया किबला बला सफ़ीर सज्जाद साहब एक्सीडेंट हुआ तीन साथियों के साथ बेचारे एक दिन पहले मुझसे उन्होंने बात की किसी मजलिस के सिलसिले में सुबह ही मैसेज आया उनकी डेथ हो गई इंसान को नहीं पता मैं कब चला जाऊँगा इतना काबिल आलम दीन हम भी मुख्तलिफ मौलाना से मिलते हैं एक दिली उनके साथ कल भी रिश्ता था हमारा इराक़ में रहते थे नजफ़ में इतनी बार मैंने बोला आप कराची आइए मजमा अच्छा होता है लोग इल्म दोस्त हैं की कदर करने वाले आइए आइए वो अक्सर पंजाब में पढ़ते थे और हमें पता था यहाँ कई ऐसे जो नाम वर उन सब से काबिल आदमी था वो पढ़ा लिखा भी ज़्यादा था दरस ख़ारिज का स्टूडेंट उस्ताद भी था बेहतरीन अरबी खिताबत माशा बेहतरीन खिताबत इन्हें अगर कराची में वो आते तीन चार साल में आज बड़े से बड़े खतीबों में उनका शुमार होता इस हम करते थे कि कोई भाई अपना यूट्यूब चैनल खोलो कोई मीडिया के अंदर आओ ताकि लोग आपको पहचाने रुशनासी हो एक हीरा छुपा हुआ है नजफ़ में बाहर आए जब मैं नजफ़ गया उनसे मिलने तो कहने लगे मौलाना मुझे खौफ आता है किस चीज़ का खौफ आता है? मतलब खौफ आता है कहीं शोहरत मुझे हुसैन से दूर न कर दे हाँ। ये फिक्र है किसी मौलवी में आज हाँ। आज तो डिमांड की जाती हमें मशहूर किया जाए ये किया जाए वो किया जाए गाड़ियां दी जाए प्रोटोकॉल्स दिए जाए ऐसे आलिम ऐसा जवान का मुझे डर लगता है बहुत कम आते थे मजलिसों के लिए कामयाब तरीन आदमी का मुझे डर लगता है इस शहरत से डर लगता है इन क्लिप से डर लगता है इन वीडियो से डर लगता है कहीं लोग वाहवा करें तारीफें करें फिसल ना जाऊं वाली से दूर ना हो जाऊं मैं इसी में खुशू नजफ में बैठा हूं मौला का इलम हासिल कर रहा हूं जितना हो सकता है मौलाना तबलीग अपनी जारी रखता हूं ऐसा आलिम दीन ऐसा जबान मुझे फौरन वाक याद आ गया फान के बहुत बड़े आलम दीन का के लोग तरसते थे उनके चेहरे को देखने के लिए हाथों को चूमने के लिए नमाज ईद के लिए लाखों का मजमा के फला आयतुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ेंगे उल उज्मा बहजत हम बच्चे होते थे याद है अगर नमाज पांच बजे सुबह को होती थी तो लोग मस्जिद में दो बजे जाके जगह बनाते थे आशिक होते थे अगर बहजत के पीछे नमाज पढ़े वो गिरिया होता था उनकी नमाज में माशाल्लाह दो बजे आते थे सजदगा रख के चले जाते थे सुबह आते थे अपनी जगहों को रिजर्व करते थे ऐसा देखा आपने कभी नमाज के लिए लोग जगहों को रिजर्व करें कि पता चले अंचोली में या रिजविया में आरसी या या में कोई मुतकी मौलाना है सुबह की नमाज पढ़ाता है और लोग इस तरह आए जगह रिजर्व करें यह इश्क खुदा ने बहजत का लोगों के दिल में डाला था क्योंकि वो आशिक खुदा था इसी तरह इ्फान का बहुत बड़ा आलिम दीन नमाज ईद पढ़ाने के लिए लाखों का मजमा खड़ा है लोग आगे पीछे मौलाना जल्दी आइए नमाज पढ़ाइए नमाज यहां तो मौलवी फोने करवाते हैं फला मजमे की नमाज हमसे हम पढ़ाएंगे फला जुलूस की मजलिस हम पढ़ेंगे मजमा ज्यादा होता है फला शबेदारी में हम आएंगे तज़किया इतना आसान थोड़ी है अपने वजूद को बनाना ये मैं निकालना मेरा शराब मेरी मजलिस मेरा मजमा हुसैन कहां गए अब आप कहां गए यही तो शुर के खफी है जिसमें दुनिया है। कहते हैं ये जैसे घर से निकले लाखों के मजमे पे इनकी निगाह पड़ी फौरन घर की तरफ गए सेक्रेटरीज आगे मौलाना कहां जा रहे हैं इतना मजमा आपके पीछे नमाज पढ़े अपने शागिर्द को बोला तू जाकर नमाज पढ़ा मिन्नतें कर रहे हैं पाँव पकड़ रहे हैं मौलाना मजमा आपके इंतजार में कहा आज कुछ भी हो जाए मैं नहीं नमाज पढ़ाऊंगा शागिर्द गया उसने नमाज पढ़ाई बाद में सारे आगे मौलाना आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ाई कहा जैसे घर से बाहर निकला मजमे पे निगाह पड़ी मेरे दिल में शैतान ने ख्याल डाला ये सारा मजमा तेरे लिए आया है मैंने कहा आज अगर नमाज पढ़ा ली तो एक अकल के लश्कर को तीर मार के मार दूंगा रेमाम ने कहा एक जहालत के सिपाही बन के बैठ जाऊंगा मैं हर मजलिस में कह रहा हूं एक आपकी एक्टिविटी होती है पर्सनल एक एक्टिविटी होती है सोशल पर्सनल एक्टिविटी मसला नहीं घर में क्या देख रहे हो मोबाइल कैसे चला रहे हो कैसे सो रहे हो क्या खा रहे हो नहा कैसे रहे हो क्या करते हो क्या नहीं करते मेरा नहीं जाए पर्सनल एक्ट है इसकी सजा भी खुदा कम देता है तनाई में कोई गुनाह किया कोई खता की, अकेला बैठा है गुनगुना रहा है नाच रहा है जो भी कर रहा है चलो बख्शिश है एक मरतबा गुना होता है सोशल काली कमीज पहन के कराची की सड़कों पे चल रहा है लड़बाजी कर रहा है बंदा मसलन। ये मकतब की बदनामी है काले कपड़े पहन के खातून आर आती है मजलिस सुनने पर सर पे दुपट्टा नहीं पाऊ में चोराबे नहीं न कोई तुझे जानता है न तेरे बाप को जानता है हुसैन लोग काले कपड़े को जानते हैं और काला कपड़े की निशत होश है आए बदनामी मकतब की होती है मैं अरफा करबला करने गया पचास डिग्री की गर्मी थी करबला में सिर्फ एक होटल से दूसरी होटल पे दो अरफा में पढ़ने जा रहा था दस मिनट मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था उस गर्मी में शिद्दत भरी गर्मी में अब जरा हम जहां जाते हैं चीजों को नोट करते हैं एक चीज मैंने इराकियों में देखी इतनी गर्मी में मैंने एक इराकी खातून नहीं देखी जिसके पांवों में जुराब ना हो मैंने बड़ा तज्जुब किया मैंने 50 डिग्री की गर्मी एक खातून मैंने नहीं देखी जिसके पांवों में जुराब ना हो उससे मुझे अंदाजा हुआ वाक अहले अहल इराक मरजयत के मानने वाले हैं यह मराजे की बरकत है कि हर खातून को इल्म है कि जोरा पहनना वाजिब है या आप तबलीग कर रहे हो जब आप चलते हो आप तबलीग करते हो सोजर बाजार में बोल के आया अब जाहिर है जवान मौलाना से मोहब्बत करते हैं प्रोटोकॉल देते हैं अच्छी बात है आगे पीछे गाड़ियां चलती हैं लेकिन आप अब बारिश हो रही है पानी जमा हो गया आप गाड़ी तेज चलाओगे पानी किसी बरदर अहले सुन्नत पे पड़ गया बदनामी किसकी है अब ये तो नहीं दस दिन अल्लाह ने इज्जत दी है पुलिस भी आपका एहतराम करती है सिक्योरिटी भी मिलती है हम उसका गलत फ़ायदा उठाएं फरमाया वो मोमिन ही नहीं जो अपने बरदर मोमिन को अजियत दे ये वो दिन है आप यहां अपना अखलाक दिखाओ बीन में इराक जाते हो ना हर बंदा इराकी की तारीफ करता है क्यों अपने अखलाक से अपनी मेहमान नवाजी से दस दिन मुहर्रम ऐसे मनाओ कि पूरे पाकिस्तान के मुसलमान इंतजार करें अगला मुहर्रम कब आएगा किसी की जबा से जुमला निकले कब इनके दिन खत्म होंगे नहीं वो इंतजार करें अपने को न्याज दस थैलियां देते उसको सो थैलियां दो अपने को एक गिलास पिलाते उनको बुला बुलाकर बिठा बिठा कर हुसैन की सबील पिलाओ कोई खैर हो किसी को अल्लाह ने पैसे दिए हैं कोई सौ चादरें दो सौ चादरें चार सौ चादरें इमाम बारगा के सामने रख दो जिन औरतों के पास चादरें नहीं उनमें चादरें बांटो एक प्रैक्टिकली काम करो मकतब अहलबैत वाला काम करो तबलीग अहलबियत वाला काम करो जिससे इस कराची में कोई तब्दीली आए लोगों को पता चले वाक्य इनका मुहर्रम ऐसा होता है इशार का महीना है कुर्बानी का महीना है जज्बे मोहब्बत का महीना है तो जब तक हम आजादारी को प्रैक्टिकल अंजाम नहीं देंगे तब तक फायदा नहीं होगा अब इटली में आपने देखा है ना इटली और स्पेन में बेल दौड़ते हैं हां? बेल दौड़ाते हैं लोग और लोग भागते हैं मौलवियों को बेल ना बनाओ दौड़े दौड़े आ रहे हैं और इधर इधर हो जाओ इधर भाई क्या हुआ भाई सुकून से आओ सुकून से जाओ ये सोच इससे क्या होगा अब क्योंकि चार जवान होते हैं ना थोड़ा इख्तियार मिलता है रोड पे आ जाते हैं जवान भी हैं जज्बा भी हैं है, तो वो समझते हैं बस पूरा कराची हमारा है अब हम जो करना चाहें कर सकते मासू फरमाते हैं ताकत का गलत इस्तेमाल न किया करो यजी तख्त पे बैठा ताकत आई कातिल हुसैन बन गया अमीरमोमिन का जुमला फरमाया अली को हुकूमत मिली अली ने किसी चूटी के मुंह से भी दाना नहीं छीना ये अलब तसलात वसम का अखलाक है उनकी रफ़्तार है तल्लकूब अखलाके अपने वजूद को अल्लाह के अखलाक में बदल एक क्योंकि गुफ्तु अक़ल की हो रही है काम थोड़े अखिलाना होने चाहिए बानियाने मजलें से गुजारिश है ये बच्चों को खड़ा न किया करें मुझे नहीं पता हम डेढ़ घंटा बैठे रहें बेचारे खड़े रहें इसका फ़ायदा क्या है मैं यहाँ से भागे भी नहीं जा रहा यहीं बैठा हुआ तो बेटा आप बैठ जाओ सलवात पढ़े महम्मद वाल मोहम्मद मुझे नहीं पता ये कल्चर कहाँ से बनते हैं ये क्यों हम बाज ऐसे काम करते हैं जिसका कोई खास फायदा भी नहीं होता प्रोटोकॉल भी ऐसा हो जिसका कोई फायदा हो हम